आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि टो को कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकली। अगर जैसे ये रोड बना हुआ है और इस पे अपने को टो निकाल टो सॉरी जो इसमें कैम्बर का परसेंटेज निकालना होगा कि कितना परसेंट कैम्बर यहाँ पे दिया गया है, तो ये कैसे निकलेगा ये प्रोसेस बताते हैं। तो अपन सेंटर से जो है ना, ये जैसे कि दो साइड रहता है, एक लेफ्ट और राइट, तो एक साइड का सेंटर से एक साइड का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो ये मेजरमेंट है 1.5 मीटर का मेजरमेंट है, ठीक है। उसके बाद सेंटर पे एक रीडिंग लेंगे और एक टो पे रीडिंग लेंगे। टो साइड किसको बोलते हैं, जो किनारा जो रहता है रोड का उसको टो बोलते हैं, और जो सेंटर है तो उसको तो सेंटर बोलते हैं। तो ये मेजरमेंट हो गया। अब जो है एक सेंटर और एक टो पे रीडिंग लेंगे और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि इस जगह पे कितने परसेंट का कैम्बर है, प्लस कैम्बर है या माइनस कैम्बर है, वो सारी चीज पता चल जाएगा। अब ये यहाँ पे ऑटो लेवल को सेट कर लिए हैं और जो सेंटर बताए थे, तो सेंटर पे एक रीडिंग लेंगे और एक टू साइड पे रीडिंग लेंगे और दोनों को नोट डाउन कर लेंगे, और नोट करने के बाद उसमें कैलकुलेशन करेंगे। तो सेंटर पे जो रीडिंग है, वो सेंटर का रीडिंग यहाँ पे नोट हो रहा है। और जब अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो, तो ये जो है ना स्टाफ को आप दूसरे साइड रोटेट करेंगे, तो ये इसमें MM में दिया रहता है, तो वहां से और आप एग्जैक्ट रीडिंग नोट कर सकते हैं। उसके बाद अब ये टो में, अब ये टो पे जा रहा है, अब ये टो पे, अब उसके बाद टो पे इसका अब रीडिंग लिया जाएगा। ये टो पे रीडिंग ले रहे हैं, टो का रीडिंग यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, और ये दोनों के हेल्प से फिर कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहाँ अभी अपने पास इतने डेटा कलेक्ट हो गया है। जो सेंटर का रीडिंग है वो है 1.115 है, और टो का जो रीडिंग है वो है 1.094, और जो विड्थ है, मीन्स सेंटर और टो के बीच का जो डिफरेंस है, जिसको अपन विड्थ बोलेंगे वन साइड का, वो है 1.5 मीटर। अब इसमें अपन फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला लगा के इसमें अपन ये पता लगाएंगे कितने परसेंटेज का कैम्बर यहाँ पे मेंटेन किया गया है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है कैम्बर, जो परसेंटेज में निकालने का ये फॉर्मूला है, कैम्बर का फॉर्मूला होता है सेंटर का रीडिंग माइनस टो का रीडिंग, और ये दोनों बीच का जो डिस्टेंस है वो विड्थ हो गया, डिवाइड उसको विड्थ से डिवाइड कर देंगे और इनटू 100 से कर देंगे। तो वो अगर प्लस में आ रहा है तो प्लस उतने परसेंट का कैम्बर है, अगर वो माइनस में आ रहा है तो माइनस उतने परसेंट का कैम्बर है, ठीक है। तो आप सभी वैल्यूज जो है, ये तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे कितने परसेंट का कैम्बर है। तो यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये कैलकुलेशन हो चुका है, और कैलकुलेशन होने के बाद ये जो कैम्बर का परसेंटेज आया है, ये आया है प्लस 1.4%, मीन्स यहाँ पे सुपर एलिवेशन का पोर्शन है, इसलिए ये प्लस में कैम्बर आ रहा है एक साइड, है ना। ये आप देख सकते होंगे टर्निंग पोर्शन है, तो यहाँ पे प्लस में कैम्बर आ रहा है, और ये 1.4% का कैम्बर यहाँ पे अभी है। और ऐसे करके अपन इसको चेक करते हैं कि कितना परसेंट का कैम्बर है। और यहाँ पे माइनस रहता तो ये माइनस ही आपको कैलकुलेट होने के बाद आता, तो ये माइनस में आ जाता कैम्बर। यहाँ पे अभी प्लस कैम्बर है, मीन्स यहाँ पे सुपर एलिवेशन है। तो ऐसे करके जो है कैम्बर को अपन चेक करते हैं। अगर जैसे कि ये अभी अपना यहाँ पे सबग्रेड के लिए काम चल रहा है, अब ये फाइनल ग्रेड नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक लेवल तक जो है फिलिंग हो चुका है, और अगर इसमें अपने को कैम्बर चेक करना होगा कितना परसेंट का कैम्बर मेंटेन हो रहा है, तो इसमें भी उसी प्रोसेस के हेल्प से ऐसे ही करके अपन चेक करेंगे कि कितने परसेंट का कैम्बर इसमें अभी मेंटेन किया जा रहा है, और अपने को कितने परसेंट मेंटेन करना है, डिज़ाइन में कितना है। तो अगर वो दोनों सही है तो सही है, नहीं है अगर सही तो अपन को कैम्बर मेंटेन करना पड़ता है। और कैम्बर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैम्बर जो रहता है उसके हेल्प से क्या होता है कि जो भी वाटर यहाँ पे अगर रोड पे आ रहा है तो वो ड्रेन आउट हो जाता है। और ये जो सुपर एलिवेशन में जो प्लस कैम्बर दिया जाता है, उसका दूसरा भी एक रीज़न रहता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अपने को बाइक को ड्राइव या कोई भी व्हीकल को ड्राइव करने के लिए रिक्वायर्ड रहता है, तो टर्निंग पे वो नहीं मिलने के कारण से क्या होता है कि व्हीकल रोड के बाहर चले जाता है। तो उसी के लिए यहाँ पे एक साइड को प्लस कैम्बर और एक साइड को माइनस कैम्बर प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आपको सफिशियंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिले और जो आपका व्हीकल है वो रोड से बाहर ना जाए, मीन्स एक्सीडेंट ना हो कोई, और एक पर्टिकुलर स्पीड से स्मूथली रन कर सके कर्व पोर्शन पे। तो इसका ये दो इम्पोर्टेंस है। और जहाँ पे टर्निंग पे जहाँ पे प्लस कैम्बर रहता है, इसको जो है क्रॉस फल बोलते हैं या सुपर एलिवेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और नॉर्मल
जो रहता है रोड, तो वहां पे अपन 2 to 2.5% का कैम्बर देते हैं, -2 to 2.5% का कैम्बर जहाँ पे स्ट्रेट रोड है। और अगर सुपर एलिवेशन है तो वहाँ +5% से लेके +7% तक का प्लस कैम्बर यूज करते हैं कर्ब्स पे। तो ये था कैम्बर के ऊपर। और कैम्बर अपन कैसे चेक करते हैं, इसका मेथड है ऑटो लेवल की हेल्प से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।